Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing grammar and in grammar we are doing describing words which is unit 8 of your Superb English Grammar book. Children, I have explained you what describing words are and started the exercise also. And so far we have completed exercise 4. 1, 2, 3, 4 we have already completed and in today's video, I will be starting exercise 5 and we'll be doing whichever exercise possible. 5 I will be doing, then 6 and if possible, 7th also. So, let's start. The exercise is fill in the blanks with suitable adjectives. Exercise 5. It is fill in the blanks using suitable adjectives. Suitable adjectives. Children, in this exercise, the choice is given in the bracket, so you have to choose the correct one. So, first one is my grandfather is blank. My grandfather is blank. Option hai aapke paas young oblique old. So you have to choose the correct one. So grandfather is grandpa. Dada ji kaise ho sakte hain, nana ji kaise ho sakte hain? Old. So you have to write here old. Okay, my grandfather is old. Second one is flowers have dash smell. Phoolon ki khushbu kaisi hoti hai? Sweet or bitter? Sweet or bitter? Bitter matlab jo achhi nahi hoti, kadvi. To phoolon ki meethi meethi bheeni bheeni smell hoti hai. So we will write here sweet. Okay, flowers have sweet smell. Number 3 is a square has dash साइड्स. जो स्क्वायर होता है उसके कितने साइड्स होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 3 और 4. चिल्ड्रन, आंसर इज 4. अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स. और जो भी हम वर्ड्स यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑल द वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, ऑल द वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, नंबर 4, मदर डैश सॉरी कुक्स डैश डिशेस. ऑप्शन है हमारे पास टेस्टी या लॉन्ग. एंड आंसर इज टेस्टी. मदर कुक्स टेस्टी डिशेस. नंबर 5 इज वी रिस्पेक्ट हिम बिकॉज he is blank. और क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास honest, honest और smart. इसको honest नहीं पढ़ना है, इट इज़ रेड एज honest. यहाँ पर h साइलेंट है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर कुछ लेटर साइलेंट होते हैं. साइलेंट का मतलब होता है स्पेलिंग में हम उन लेटर्स को लिखेंगे, पर जब हम उन लेटर को बोलेंगे, जब प्रोनाउंस करेंगे, तो उस लेटर का साउंड नहीं आता है. सिर्फ स्पेलिंग में वो लेटर होता है. तो यहाँ पे स्पेलिंग में एच है लेकिन साउंड में नहीं रहेगा, तो इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, वी विल से ऑनेस्ट. तो वी रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट. ठीक है, देन वी हैव 6th वन, ईट डैश फ्रूट्स ओनली. आई होप ये फ्रेम में आएगा. ईट डैश फ्रूट्स डेली. ओके, ऑप्शन है हमारे पास बिग या फ्रेश. बिग ऑब्लिक फ्रेश. तो हमें कैसे फ्रूट्स खाने चाहिए डेली? वी शुड ईट फ्रेश, F R E S H. ईट फ्रेश
फ्रूट्स डेली. ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 5. नाउ विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6. इफ यू हैव नोटेड इट आई विल इरेज दैट. Let's move on to the next exercise. Exercise 7th is match the opposite words. Match the opposite words. यहाँ पर जो भी words हैं वो सारे adjectives हैं और एक adjective को उसके opposite adjective के साथ आपको मैच करना है. ठीक है, फर्स्ट वन इज यू जी एल वाई अगली, नेक्स्ट इज एन ओ आई एस वाई नॉइजी, 3 इज क्लीन, 4 इज ड्राई, 5 इज हैवी, 6 इज थिन. नाउ वी विल राइट ऑपोजिट वर्ड्स ऑन द अदर साइड. इट इज क्यू यू IET quiet, LIGHT light, THICK thick, BEAUTIFUL beautiful, WET wet, DIRTY dirty. ठीक है, चलिए अगली का ऑपोजिट क्या होता है. अगली मतलब जो दिखने में अच्छा नहीं होता है, खराब शक्ल वाला, बदसूरत, तो उसका ऑपोजिट हो गया ब्यूटीफुल. ठीक है, अगली ब्यूटीफुल. नॉइजी, नॉइजी का ऑपोजिट होगा क्वाइट, शोर करने वाला और शांत. क्लीन का ऑपोजिट है डर्टी, ऑपोजिट ऑफ क्लीन इज डर्टी. ड्राई का ऑपोजिट क्या होगा, वेट, सूखा गीला. हैवी लाइट, भारी का उल्टा हल्का. थिन का ऑपोजिट थिन, थिन थिक, मोटा पतला. तो ये हो गया आपका मैचिंग. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यू हैव टू राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड यूजिंग दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इनफैक्ट ये एक्सरसाइज आपको खुद करना है, आपको अपने फ्रेंड के बारे में फ्यू लाइंस लिखनी है एंड वर्ड्स आर गिवन, एडजेक्टिव्स आर गिवन, यू हैव टू यूज दोज एडजेक्टिव्स टू राइट अबाउट फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड्स. तो आप एक खुद से लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं बता देती हूँ. आप वैसा लिख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड यूजिंग दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूजिंग दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आपको ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं. यू हैव टू यूज दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जैसे पहला है best, loving, then है caring, then we have helpful, then we have sharing, okay, then we have nature, sharing nature एक साथ है, then ever smiling face, ever smiling face, then we have honest, then truthful, then sincere, then polite behavior. ओके, तो ये हमारे
जो है एडजेक्टिव्स हैं. ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स दैट आर गिवन फॉर राइटिंग सेंटेंसेस अबाउट बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, मैं रीड करके बता दे रही हूँ. बेस्ट, दिस इज लविंग, केयरिंग, हेल्पफुल, शेयरिंग नेचर, ये टी है यहाँ पर. देन एवर स्माइलिंग फेस, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर, पोलाइट बिहेवियर. अब इन्हीं एडजेक्टिव्स की हेल्प से आपको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है. तो हाउ यू कैन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट, माई बेस्ट फ्रेंड इज, और बेस्ट फ्रेंड का आपको नाम लिखना है. फ्रेंड कैसा है, बेस्ट है, हमने ये वर्ड यूज़ किया, माई बेस्ट फ्रेंड इज. अब अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दीजिए. ठीक है, देन यू कैन से ही और शी. अगर आपका बेस्ट फ्रेंड लड़का है तो आप ही लिखेंगे, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड लड़की है तो शी लिखेंगे. ठीक है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी. इज, शी इज वेरी हेल्पफुल, शी इज वेरी हेल्पफुल. कैसी है वो या कैसा है वो, हेल्पफुल है. ठीक है, ये हमने ये वर्ड यूज़ किया. देन यू कैन राइट he or she is loving and caring, बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयर करने वाली है या वाला है. she is loving and caring. ठीक है, तो ये हमने यूज़ किया loving, caring, loving, caring. ठीक, he अगर लड़का है तो he, लड़की है तो she is loving and caring. okay, चलिए. तो ये तीन सेंटेंस आपको मैंने बताए. अब क्योंकि यहाँ स्पेस को देखते हुए मुझे ये तीनों सेंटेंस इरेज करने होंगे, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखूँगी. ठीक है, इफ़ यू हैव नोटेड आई विल इरेज इट. नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन राइट, फोर्थ वन, ही और शी हैज शेयरिंग नेचर. शेयरिंग नेचर मतलब उसका नेचर ऐसा है कि वो अपनी चीज़ें शेयर करता है या शेयर करती है. ठीक है, ही और शी हैज शेयरिंग नेचर. नंबर फाइव, ही ऑब्लिक शी हैज एवर स्माइलिंग फेस, मतलब उसका जो चेहरा है वो हरदम मुस्कुराता हुआ रहता है. ही और शी हैज़ एवर स्माइलिंग फेस. फिर लिख सकते हैं ही इज ऑन, ही या शी, लड़की है तो शी बता रही हूँ, इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल मतलब वो बहुत सच्चा और ईमानदार है, या वो बहुत सच्ची और ईमानदार है. नंबर सेवेंथ में आप लिख सकते हैं शी इज सिंसियर, शी, ही और शी इज सिंसियर, ही और शी इज सिंसियर. ओके, एंड फाइनली, क्योंकि अब यहाँ जगह नहीं है तो मुझे फिर इसे इरेज करना होगा. अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं इसको फिर इरेज करूँगी. लास्ट लाइन यू कैन राइट, ये हमने सारे वर्ड्स हमने यूज़ कर लिए, एवर स्माइलिंग भी यूज़ किया, ऑनेस्ट यूज़ किया, ट्रूथफुल यूज़ किया, सिंसियर यूज़ किया. नाउ लास्ट लाइन यू कैन रे, शी, ही और शी हैज़ पोलाइट बिहेवियर. पोलाइट और लास्ट लाइन आप ऐड कर सकते हैं, आई लव माई फ्रेंड या आई लाइक माई फ्रेंड. I love my friend very much. मुझे अपना दोस्त बहुत प्यारा है. हो गया, इस तरह से आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं अपने फ्रेंड के बारे में फ्रॉम द वर्ड्स गिवन.
नाउ चिल्ड्रन, ये आपका एक्सरसाइज सेवेंथ हो गया. वी हैव वन मोर एक्सरसाइज दैट इज फन टाइम. इसमें क्या है, वर्ड चेन बनाना है. चिल्ड्रन, वी विल डू दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. आज के वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं, और जो ये वाला एक्सरसाइज है फन टाइम, दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस काम को कर लेंगे. थैंक यू.